गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशंस टॉपिक अपना फिनिश कर लिया था। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन एज अ ब्लॉक बिल्डिंग समझ लीजिए मैथमेटिक्स का, और फंक्शंस का यूज हम लोग करेंगे जब क्लास ट्वेल्थ में हम पढ़ेंगे कैलकुलस, और कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में इसका ब्रॉडली यूज होगा। तो फंक्शंस हम स्टार्ट करते हैं आज, हेडिंग डाल लीजिए फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस, फंक्शंस अगर वर्ड देखिए तो फंक्शन वर्ड अराइज हुआ है लैटिन वर्ड से। ये किससे अराइज हुआ है? लैटिन वर्ड। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो फंक्शन वर्ड अराइज हुआ है लैटिन वर्ड से और इसका मीनिंग होता है ऑपरेशन। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन। और ये जो वर्ड फंक्शन है इसके कुछ सिनोनिम्स भी हम यूज करेंगे। अक्सर हम लोग बोलेंगे फंक्शंस की जगह हम लोग कभी कभी वर्ड यूज करेंगे मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग और फंक्शंस ये सिनोनिम्स हैं, और मैपिंग या फिर कभी कभी क्या बोलेंगे मैप। ठीक है, तो फंक्शंस, मैपिंग, मैप्स ये सब क्या है? एक सिनोनिम से एक दूसरे के। तो जब भी मैपिंग बोला जाएगा तो फंक्शन से ही हमारा सेंस होगा, या फंक्शन बोला जाएगा मैपिंग समझेंगे, मैप समझेंगे, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। फंक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है? तो फंक्शन का डेफिनेशन हम दो टाइप से पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप हमारा होगा फंक्शंस एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप क्या है? फंक्शन। रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर रिलेशन की बात हम लोग करें तो अगर r फ्रॉम a टू b ये कोई रिलेशन हमें दिया हुआ है, r फ्रॉम a टू b क्या दिया हुआ? कोई रिलेशन दिया हुआ है। सपोज करिए ये कलेक्शन है रिलेशन का फ्रॉम a टू b। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होता है? सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है रिलेशन। अब ए क्रॉस बी के कुछ सबसेट लेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के सबसेट लेंगे और उसको हम बोलेंगे वो क्या है? फंक्शंस। ठीक है, मींस रिलेशन पे हम फर्दर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं तब हम क्या बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे। रिलेशन पे हम टोटल टू रिस्ट्रिक्शंस यूज करेंगे और एक क्लास बनाएंगे रिलेशन के अंदर, और उस क्लास को ही हम क्या बोलेंगे? ये हमारा है फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। तो पहला हमें इसी बेस पे डेफिनेशन पढ़ना है फंक्शन का, और सेकंड डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस एज अ करस्पॉन्डेंस। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस एज अ करस्पॉन्डेंस। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन में, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस का डेफिनेशन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। दो कंडीशन लगाएंगे रिलेशन पे तो हमें किसका डेफिनेशन मिल जाएगा? फंक्शन का। फंक्शंस एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शंस एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में हम मान लेंगे कि कोई भी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दिया हुआ है, उस रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? हम दो कंडीशन डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा रिलेशन में तो हम कहेंगे कि रिलेशन अब हमारा क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन में इसके है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, या आप टू सेट्स लेके भी वर्क कर सकते हो। ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज ए रिलेशन। एफ हमारा क्या है? रिलेशन को यूजली हम लोग आर से डिनोट करते थे, लेकिन अब किससे डिनोट करने जा रहे हैं? एफ से। तो एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी, ये हमने माना ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एफ हमारा क्या है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन एफ इज कॉल्ड, ये जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलने जा रहे हैं फंक्शन, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों कंडीशंस क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, फंक्शन रिलेशन हमारा कहां से दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है, तो ए के सभी एलिमेंट्स के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी, एक एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर जाए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए इज एफ रिलेटेड टू बी, या इसी को हम लोग लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो इसको अगर वर्ड में पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी बाई रिलेशन एफ, ठीक है, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी बाई रिलेशन एफ, ठीक है, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। सेट ए के सभी एलिमेंट्स, सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एफ रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए बाय रिलेशन एफ, पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, ठीक है, अब जैसे पहले कंडीशन की अगर बात करिए, सपोज करिए हमने आपको दो सेट दिया हुआ है, फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन का भी वही सब तरीका है जो हमने रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन का पढ़ा हुआ है। रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन में याद करिए, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते थे, या तो रोस्टर फॉर्म से, या तो सेट बिल्डर फॉर्म से, या फिर एरो डायग्राम मेथड, तो वही तीनों तरीका यहाँ भी यूज करेंगे, किसके लिए, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज करिए एफ कोई हमें रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एफ क्या हमें दिया हुआ है रिलेशन कोई दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सेट ए में एलिमेंट्स लिया 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट्स लिया हुआ 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 को हमने रिलेट करा दिया 5 से, 2 को रिलेट करा दिया 6 से, और 3 को भी रिलेट करा दिया 6 से, और 4 को हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशंस है, क्या ये रिलेशन फंक्शन हुआ, क्या इसका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, जो कंडीशन हमने 1 डिस्कस किया, इसमें हम देख रहे हैं कि सेट ए के पहले कंडीशन क्या कह रहा है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स का, सभी एलिमेंट्स बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ए के सभी एलिमेंट्स बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 1 तो रिलेट हो रहा है, 2 भी रिलेट हो रहा, 3 भी रिलेट हो रहा, लेकिन 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा, लेकिन 4 किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 4 बिलोंग्स टू सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बाई रिलेशन आर देयर फोर रिलेशन एफ इज नॉट ए फंक्शन। तो ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये फंक्शन नहीं, ठीक है, क्यों फंक्शन नहीं, क्योंकि इसका कंडीशन 1 जो हमने डिस्क्राइब किया वो कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे आइए, पहला कंडीशन आप समझ गए होंगे, पहले कंडीशन में क्या है कि रिलेशन जो हमें दिया हुआ है उसमें क्या होना चाहिए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स
सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए बाय रिलेशन एफ। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, सपोज करिए दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ऐसे हैं। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ है, ठीक है, एंड यहां इफ लिख लीजिए, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा वाला जो ऑर्डर्ड पेयर मैं लिख रहा हूं उसमें देखिए जो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट है सेम वही लिख रहा हूं, फर्स्ट कंपोनेंट ए ही लिख रहा हूं, लेकिन इसका सेकंड कंपोनेंट हमने बी ना लिख करके क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ। तो अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहे हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेम है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ऐसा कभी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है और रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो उसको फंक्शन बनने के लिए क्या जरूरी चीज है, देन ये जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं इस ऑर्डर्ड पेयर के वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल, देन ए इक्वल टू सी, तभी जाके रिलेशन क्या बनेगा, फंक्शन। अगर इक्वल नहीं हुआ सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है लेकिन सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये इसी को लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, दैट इज नो टू ऑर्डर्ड पेयर, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, या आप कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में जब करेस्पॉन्डेंस पढ़ाया जाएगा तो वहां लिखवाया जाएगा इसी चीज को, कि इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या बोलेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ के लिए इसको हम क्या समझ रहे हैं, अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आपको मिल रहे हैं रिलेशन में जिनका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है बट सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, अगर सेकंड कंपोनेंट इक्वल हो गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को डाउट होगा, जैसे अगर सपोज करिए फर्स्ट कंपोनेंट ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ है, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर पेयर कोई है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सपोज करिए सी है और सेकंड कंपोनेंट बी ही है, ठीक, तो इसमें ये सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी कब हम यूज करेंगे, जब ऐसे ऑर्डर पेयर आपको मिल रहे हो जिनका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो, इक्वल हो, तब हम देखेंगे उनका सेकंड कंपोनेंट क्या है, इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, अगर इक्वल हो गया सेकंड कंपोनेंट तो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, मींस कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें रिलेशन में दिया हुआ है तो उनके पास सेम फर्स्ट कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन में दिए हुए हैं सभी का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से समझो, एरो डायग्राम से समझो इसको, ये ए और बी वेन डायग्राम हो गया दो सेट का। सपोज करो कोई हमें एक रिलेशन दिया हुआ है एफ, अब इसको हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं, मैं रिलेट करा रहा हूं एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स को मैंने कैसे रिलेट करा, वन को फाइव से, टू को सिक्स से, थ्री को सेवन से, और फोर को भी सेवन से, और फोर को फिर एट से भी रिलेट करा दिया। ठीक है, तो अगर इसको हमें कभी रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ, इसको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना आप जानते हो, एरो डायग्राम देख करके रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रिलेशन को बताया गया आपको कैसे लिखेंगे, वन से किसको रिलेट करेंगे, फाइव को, तो एक पेयर बन गया वन कामा फाइव, दूसरा टू कामा सिक्स, तीसरा थ्री कामा सेवन, और फोर फोर सेवन से भी रिलेट हो रहा और फोर एट से भी रिलेट हो रहा, तो ये आपका हो गया रिलेशन किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और ये इसका एरो डायग्राम। ठीक है, अब इसमें देखिए
पहला वाला अगर कंडीशन देखिए, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, इज रिलेशन एफ ऑफ फंक्शन, ये जो रिलेशन हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ सेट ए हमें कितना दिया हुआ है, सेट ए हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट है। सेट बी हमें क्या दिया हुआ, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, इस रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स का हमें, सॉरी, सेट ए के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट, सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, है ना। पहला कंडीशन क्या कहता है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, वो किसी ना किसी से रिलेट हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अगर वेन डायग्राम में देखें ज्यादा क्लियर आपको दिखाई पड़ेगा, 1 से एरो निकला है, 2 से एरो निकला है, 3 से एरो निकला है, 4 से भी एरो निकला है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट से एरो निकला हुआ है, मीन्स सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 1, 2, 3, 4 सेट ए के सभी एलिमेंट्स हो गए, ये किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी, सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट हैं। अब हमें दूसरा कंडीशन देखना है, कह रहा है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन में ऐसे मिल रहे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो उनके सेकंड कंपोनेंट भी सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हो रहे हैं सेकंड कंपोनेंट, तो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे सर्च करिए, तो यहाँ पे सर्च करने पे आपको मिल रहा है कि जो 4, 7 है और 4, 8, ये ऐसे पेयर हमें मिल रहे हैं रिलेशन एफ में जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है। फर्स्ट कंपोनेंट दोनों के क्या है, 4, ठीक है, लेकिन सेकंड कंपोनेंट हम देख रहे हैं यहाँ 7 है, यहाँ 8, दोनों सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है, इस वजह से सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये जो रिलेशन एफ होगा अब वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्डर पेयर 4, 7 बिलोंग्स टू एफ एंड 4, 8 बिलोंग्स टू एफ, बट 7 डज नॉट इक्वल टू 8, मीन सेकंड कंपोनेंट इनके इक्वल नहीं है। आंसर में ही इतना हम लिखेंगे ऐसे ही, सिंस 4, 7 एफ में बिलोंग कर रहा, 4, 8 एफ में बिलोंग कर रहा, बट सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है, 7 डज नॉट इक्वल टू 8, देयरफॉर एफ हमारा क्या हो गया, एफ इज नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर यही चीज वेन डायग्राम में देखिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 से ये जो 4, 7 4, 8 पेयर मिल रहा है, तो देखिए ध्यान से, तो 4 से यहाँ 2 एरो निकल रहा है, 4 से कितने एरो निकल रहे हैं, 2 एरो, एक एरो 7 से रिलेट हो रहा, एक एरो 8 पे जाकर एंड हो रहा, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, अगर कोई रिलेशन है उसका हम वेन डायग्राम ड्रा करें, अगर ऐसा कंडीशंस कभी आता है कि एक पॉइंट से या कहिए एक एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो निकले, ठीक है, मेनी एरो निकले, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। वेन डायग्राम देख करके आप तुरंत बता सकते हो अगर किसी का वेन डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे हमने एक वेन डायग्राम आपको दिया, सेट ए सेट बी हमने बनाया, एरो डायग्राम बना रहे हैं रिलेशन एफ का, रिलेशन एफ हमने दिया है आपको, इसमें 3 एलिमेंट्स हमने रखा, 1, 2, 3, इसमें 5, 6, 7, ठीक है। तो 1 को रिलेट कराया 5 से, 2 को रिलेट कराया 6 से, 3 को रिलेट कराया 6 से। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये रिलेशन जो एफ रिलेशन हमने बनाया हुआ है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो आप क्या बताएंगे, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। दोनों कंडीशन हमें देखना है, पहला कंडीशन ये कहता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, ठीक है, तो एरो देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट से निकल रहा है, स्टार्ट हो रहा है सभी एलिमेंट से एरो, है ना, 1 से भी स्टार्ट हुआ एरो, 2 से भी स्टार्ट हुआ एरो, 3 से भी स्टार्ट हुआ एरो, तो पहला कंडीशन तो हो गया फुलफिल, मीन्स सेट ए के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन हमें क्या बता रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि
अगर कोई भी दो पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है तो सेकंड कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। और वेन डायग्राम में उसको हम लोग कैसे समझते हैं, वेन डायग्राम में हम लोग समझते हैं कि सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट से एक से ज़्यादा एरो नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा एरो स्टार्ट ना हो किसी एक एलिमेंट से। तो यहाँ हम देख रहे हैं वन से केवल एक एरो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो चाहे जहाँ टर्मिनेट हो, बी के किसी भी एलिमेंट पे टर्मिनेट हो, वो हमें नहीं देखना। यहाँ बस किसी एलिमेंट पे टर्मिनेट हो जाए, चाहे सभी एक ही एलिमेंट पे टर्मिनेट होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेट ए के एक एलिमेंट, सेट ए का जो एक एलिमेंट वन है इससे केवल एक एरो निकला, टू से भी एक ही एरो निकला, थ्री से भी एक ही एरो निकला हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट से एक सिंगल एरो स्टार्ट हुआ है, इस वजह से सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो ये जो हमें एरो डायग्राम दिया हुआ है रिलेशन का, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। और अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो एफ इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, रिलेशन एफ इक्वल टू हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वन किससे रिलेट कराओगे आप, फाइव से, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, टू किससे रिलेट कराओगे, सिक्स से, और थ्री किससे रिलेट कराओगे, सिक्स से, ठीक है। इसको हमें चेक करना था ये फंक्शन है या नहीं। और सेट ए हमें कितना दिया हुआ है, सेट ए हमें दिया हुआ वन टू थ्री, और सेट बी हमें कितना दिया हुआ है, फाइव सिक्स सेवन। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, और रिलेशन एफ दिया हुआ है, इसको हमें चेक करना है, इज रिलेशन एफ अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। तो इसके लिए दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि सेट ए के, सेट ए में कितने एलिमेंट, वन टू थ्री, तीन एलिमेंट, और इसमें हम देख रहे हैं कि ईच ऑर्डर्ड पेयर में देखिए वन टू और थ्री फर्स्ट कंपोनेंट में आना चाहिए, तो यहाँ वन आ गया है, यहाँ पे सेकंड पेयर में टू आ गया है, यहाँ थ्री आ गया है, ठीक है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट हो गए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन अब हमें देखना है कि रिलेशन जो हमें दिया हुआ है उसमें ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर अगर मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है तो उनके सेकंड कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट वन है, दूसरे में टू है, तीसरे में थ्री है, किसी में भी फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल नहीं है तो आपका सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया, ठीक है। तो इस वजह से फंक्शन क्या हो गया, रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। रिलेशन को फंक्शन बनाने के जो कंडीशंस है, दो कंडीशंस, वो दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई। अब एक प्रॉब्लम करिए, डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन होगा, कब फंक्शन होगा, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन हमें फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है, अगर पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई करे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाए, इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम कहेंगे कि पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आप देखिए, ठीक है, फंक्शन हमें, रिलेशन हमें दिया रहेगा, उसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के पास सेम फर्स्ट कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिलने चाहिए जिसके फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। अगर ऐसे दिख रहे हैं तो उनका सेकंड कंपोनेंट फिर क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा क्या हो गया, फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। नोट में एक चीज करके लिख लीजिए, इफ f from a to b is a function, सपोज करिए ये फंक्शन एक हमें दिया हुआ है, ठीक है, f from a to b क्या हो गया, फंक्शन हो गया। एंड सपोज करिए कोई ऑर्डर्ड पेयर a कामा b है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा, f में बिलोंग कर रहा, ठीक है, f from a to b हमें फंक्शन दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर a कामा b किस में बिलोंग कर रहा, f में। तो ये जो सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट कौन है, b, तो इसको हम b को बोलेंगे, देन b इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट a, ठीक है, देन b इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कौन है यहां, a, ठीक है, b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a
अंडर एफ, अंडर एफ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे इसको बी को। क्या यहां से समझ में आया कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी अगर कोई है बिलोंग कर रहा है फंक्शन एफ में, फंक्शन एफ में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सेकंड कंपोनेंट बी है उसको हम अब हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड कंपोनेंट बी को बोलेंगे इमेज ऑफ ए मींस फर्स्ट कंपोनेंट अंडर कौन सा यहाँ फंक्शन दिया हुआ एफ, ठीक है। या इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं दैट इज बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग b इज इमेज ऑफ a अंडर f, यही जो ऊपर लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे b इज इमेज ऑफ a अंडर f, b इक्वल टू f ऑफ a। जैसे कहीं पे अगर मान लो लिखा हुआ है f ऑफ 2 इक्वल टू 5, ठीक है, तो 5 क्या हो गया, तो इसको पढ़ेंगे क्या 5 इज इमेज हो गया, किसका इमेज हो गया, इमेज ऑफ किसका 2 का, किसके अंडर, अंडर एफ, ठीक है। और अगर यहीं पे कहीं लिखा हुआ जी एफ टू इक्वल टू 5, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग 5 इज इमेज ऑफ 2, किसके अंडर में, अंडर यहां फंक्शन कौन सा दिया हुआ है जी, अंडर जी, ठीक है। तो हम बी को बोलेंगे बीच कार्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और ए को क्या बोलेंगे एंड A इज कॉल्ड प्री इमेज, A को हम क्या बोलेंगे प्री इमेज ऑफ सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है B, ठीक है। A इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ B अंडर F, ठीक। तो 5 को बोलेंगे 5 इज इमेज ऑफ 2 अंडर F, और 2 को क्या कहेंगे 2 इज प्री इमेज ऑफ 5 अंडर, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे नोटेशन में, प्री इमेज और इमेज का मीनिंग समझ गए होंगे। अब जैसे कहीं पे थोड़ा सा अगर जनरल लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू y, तो हम क्या समझेंगे इसको y इज इमेज ऑफ x अंडर f, और x को क्या कहेंगे x इज प्री इमेज ऑफ y अंडर f, ठीक है। तो ये नोट में करके आप लिख लीजिएगा इसको। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम है, उसमें हमें चेक करना है कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कोई एक सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, सेट बी हमें दिया हुआ है 4 5 6 7, ठीक है। एंड लेस सम रिलेशंस, सम रिलेशंस एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री फ्रॉम ए टू बी एज फॉलोज, ठीक है। कुछ रिलेशंस हम ले रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, अब उसको हमें चेक करना रहेगा वो फंक्शन है या नहीं। पहला हमने लिखा f1, हमें पता है रिलेशन फ्रॉम a टू b लिख रहे हैं तो वो किसका सबसेट होगा, a क्रॉस b का, तो a क्रॉस b के ही कुछ सबसेट लिख रहे हैं हम लोग। एक हमने लिखा 1 4 2 5 और 3 6, f2 लिख रहे हैं 1 4 1 5 2 6 3 7, और एक तीसरा एफ थ्री हमने लिखा 1 4 2 5। तो ये कुछ रिलेशंस हमने लिखा हुआ फ्रॉम ए टू बी, इसको आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें फंक्शन है, ठीक है। चेक विच वन इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसमें से कोई एक हमने फंक्शन बना के आपको दिया, वही आपको चेक करना कौन सा है। इसका आंसर देखिए, पहला वाला देखिए, ठीक है,
पहले वाले में क्या है, इसको वो एरो डायग्राम के हेल्प से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ है सेट, इसको आप चाहे एरो डायग्राम में बना के भी कर सकते हो, वहां से चेक कर सकते हो कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। क्या कंडीशन एरो डायग्राम में है, सेट ए के ईच एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए और सेट ए के ईच किसी भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए वाला देखिए रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है F1, हमें क्या देखना है, सेट ए के सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। तो सेट ए के एलिमेंट देखिए 1, 2, 3 है, वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कंपोनेंट में 1 लिखा हुआ है, 4 से रिलेट है, 4 इसमें है सेट बी में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेकंड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट 2 लिखा हुआ है, ये किससे रिलेट हो रहा है, 5 से बी के एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। यहाँ थर्ड वाला एलिमेंट लिखा हुआ 3, ठीक है, 3 किससे रिलेट हो रहा है, 6 से सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहा। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा कंडीशन क्या था, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। अब इसमें देख लीजिए, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको ना मिले जिसके पास फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो। तो इसमें देखिए फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है फर्स्ट कंपोनेंट। तो ऐसा आपको कोई भी पेयर नहीं मिला जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है। यहाँ देखिए फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है। यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, तो ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट 3 है। तो हम देख रहे हैं कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल। देयरफॉर ये जो F1 है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से क्या हो गया फंक्शन। तो रीजन कैसे लिखेंगे, F1 इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ, सम लिख सकते हैं या एलिमेंट आप केवल लिख सकते हैं, इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये तो पहला कंडीशन हो गया, एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इस वजह से ये जो रिलेशन F1 था वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में 1, 2, 3 ये तीनों किसी ना किसी से रिलेट होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ 1 है, सेकंड कंपोनेंट सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी का एलिमेंट है, यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो 2 6 से रिलेट है, 6 यहाँ सेट बी में है, 3 7 से रिलेट है, 7 यहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3 तीनों किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं सेट बी के। ठीक है, तो इस वजह से पहला कंडीशन तो हो गया सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 1, 4 और 1, 5 ये दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें हमें सेम फर्स्ट कंपोनेंट मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1, 4 बिलोंग्स टू F2 एंड 1, 5 बिलोंग्स टू F2, बट हम देख रहे हैं इनका सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है, बट 4 डज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज यहाँ पे हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल गए जिनके सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है। देयरफॉर ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है फंक्शन का, देयरफॉर F2 इज नॉट फंक्शन। ऐसे थर्ड वाले में बताइए, थर्ड वाला फंक्शन है कि नहीं। थर्ड वाले में हम देख रहे हैं 1, 4 से रिलेट हो रहा, 4 सेट बी का एलिमेंट है, 2, 5 से रिलेट हो रहा, 5 सेट बी का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो सेट ए में एक एलिमेंट 3 है वो किसी से रिलेट नहीं हो रहा, तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इस वजह से अब 3 रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे रीजन कैसे लिखोगे आप, सिंस 3 बिलोंग्स टू सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू
इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफोर एफ थ्री इज नॉट फंक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक वर्क हम लोगों ने किया। आज क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन पे ही कुछ कंडीशन लगाते हैं, दो कंडीशन हम लोगों ने लगाया तो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, ठीक है। क्योंकि रिलेशन पे ही कुछ कंडीशंस लगा के फंक्शन बनाया जा रहा है, तो फंक्शंस जितने भी होंगे सभी के सभी क्या होंगे? रिलेशंस। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हो। रिलेशन का क्लास बड़ा है, रिलेशन पे ही कुछ कंडीशन लगा के हम लोगों ने क्या बनाया? फंक्शन, ठीक है। तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशंस नीड नॉट बी फंक्शंस। हम लोगों ने देखा कई एग्जाम्पल्स ऐसे जो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए एफ टू और एफ थ्री लिखा हुआ है, ये क्या है? रिलेशंस हैं लेकिन फंक्शंस नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? फंक्शंस को एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा, और यहाँ से ये कंडीशन निकाला, ठीक है, कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस नीड नॉट बी फंक्शंस। और एक एग्जाम्पल ऐसा किया जिसमें हम लोग ये चेक कर सकते हैं, जिसके हेल्प से क्या चेक कर रहे थे हम लोग, कि कोई भी गिवन रिलेशन जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रिलेशन हमें है वो फंक्शंस है या नहीं। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ किस फॉर्म में दिया हुआ? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कोई भी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है या नहीं उसको चेक करना हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर और भी कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन नंबर टू, फंक्शंस एज अ करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।